योगी ने लिया सबसे बड़ा फैसला तो तालियां बजाने लगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री। योगी के जिस फैसले का विरोध कर रहे थे खुद पार्टी के ही नेता, अब इस फैसले पर बाबा बागेश्वर ने दे दिया योगी का साथ। खुले मंच से मीडिया के सामने बाबा बागेश्वर ने योगी का कर दिया समर्थन, भाईजानों में मच गया घमासान। बाबा बागेश्वर ने दुकानों पर नाम लिखे जाने के विवाद पर दे दिया बहुत बड़ा बयान, कहा बच के रहो ठठरी के वारों से। जी, इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक ही मुद्दे की चर्चा है, जो फैसला योगी ने कांवड़ियों के समर्थन में लिया है। दरअसल 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी की योगी सरकार ने आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के संचालक या फिर मालिक को अपनी पहचान लिखनी होगी। सरकार के इस फैसले की जहां विपक्षी दल आलोचना कर रहे हैं, वहीं कई हिंदू संगठनों ने इसका जमकर समर्थन किया है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के पन्ना में एक कार्यक्रम में आए बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यूपी के सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने योगी का फैसला बिल्कुल सही बताया और उनका समर्थन किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ही अंदाज में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच के रहो ठठरी के वारों से। कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना नाम बदलकर सावन के महीने में गंगा जी के किनारे संकट ठोकने लगते हैं। ऐसे लोगों की असलियत सामने आए इसलिए दुकानों पर असली नाम लिखा जाना चाहिए, ताकि पता लग जाए कि माधव की दुकान है या याहू वालों की। कथा में दर्शन करने पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बचाव करते हुए कहा कि ऐसा कांवड़ियों की आस्था और शुचिता को बनाए रखने के लिए किया गया है। कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों के सामने दुकानदारों को अपना नाम और अपनी पहचान बतानी चाहिए, ताकि सच का पता चल सके। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िये खान पान के मामले में काफी परहेज करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने कहा है कि यात्रा मार्ग पर दुकानों के संचालक या मालिक को अपनी पहचान लिखनी होगी। देश के अनुसार हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानों ठेलों पर अपना नाम लिखें, जिससे कि कांवड़ यात्री ये जान सके कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर पूरे देश भर में सियासत हो रही है, जहां इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस इसे भेदभाव बता रही है, वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे मुसलमानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने मुसलमानों की निष्ठा पर सवाल उठाने वाली इस फैसले को कड़ी निंदा करते हुए वापस लेने की मांग की है। लेकिन योगी ने जो एक बार फैसला ले लिया, उसके बाद तो वो खुद की भी नहीं सुनते। शायद ओवैसी ये बात भूल गए हैं और इसी वजह से अब हर तरफ इसी मुद्दे की चर्चा है।